मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। बसपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। बसपा के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी की चुनावी समीक्षा बैठक भी आयोजित हुई। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बसपा की जमीनी तैयारी पूरी हो चुकी है। बसपा इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। बसपा की तैयारी हमेशा ग्रास रूट पर रहती है, क्योंकि ग्रास रूट के जो वर्कर होते हैं उनकी जो समस्याएं होती है उसको उठाने का हमेशा से काम करती है। इसलिए जो तैयारी है वो हमेशा ग्रास रूट की है। नगरी निकाय के चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, अभी तो सरकार को ही अपने आप में ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, किसानों से डर रही है और किसानों का जो वाजिब अधिकार है उससे वो पीछे मुड़ रही है। तो इसलिए उन लोगों की पता नहीं है कि वो चुनाव कराएंगे नहीं कराएंगे, पर हमारी तैयारी पूरी प्लानिंग के साथ में EVM में सभी लोग प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं, पर ये उनकी तानाशाही नहीं मान रही है, पर आज नहीं तो कल उनको मानना तो पड़ेगा।